गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी जंक्शन पे मैं श्याम देवड़ा आपका स्वागत करता हूँ। आज अपन बात करेंगे एक महत्वपूर्ण विषय यानी एक अलग महाद्वीप यानी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बात करेंगे। दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में कौन कौन से देश हैं और उनकी जो क्या स्थिति है या उन महाद्वीप के बारे में और क्या अच्छी जो बातें हैं या जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो क्या है, उनके चारों ओर की क्या स्थिति। तो आप हमारे वीडियो को पूरा जरूर देखें ताकि आपको मैं जो ये खाली मैप में जो ड्रॉ करूँगा वो आपको आराम से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं ये जो महाद्वीप है उत्तरी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, ये महाद्वीप ये विश्व का क्षेत्रफल में कौन सा स्थान रखता है। जैसे देखो सबसे पहले एशिया, फिर अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, फिर दक्षिण अमेरिका। तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा स्थान रखता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान रखता है, चौथा, पता चल गया। देखो उत्तरी अमेरिका एशिया महाद्वीप सबसे बड़ा है, फिर आपका अफ्रीका महाद्वीप बड़ा है, फिर उत्तरी अमेरिका बड़ा है, फिर दक्षिण अमेरिका। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा बड़ा महाद्वीप है, ये आपको ध्यान रखना। अब देखो ये जो देश है, ये जो आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, इसके देखो इधर तो आपको मिलेगा प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, और इधर आपको मिलेगा अंटार्कटिक महासागर, अंटार्कटिक महासागर। तो ये भी आपको ध्यान रखना। फिर अपन बात करते हैं यहाँ ये जो उत्तरी अमेरिका से अलग हो रहा है, ये आपको एक पनामा जल संधि मिलेगी। पनामा जल संधि भी है और पनामा की खाड़ी भी है, ये वाली, ये पनामा की जो जल संधि है ना, ये प्रशांत महासागर और अंटार्कटिक महासागर को जोड़ने वाली है। और ये तो हो गए इसके चारों ओर की। फिर अपन बात करते हैं इनके देशों की। देखो ये इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है ब्राजील, ब्राजील, ब्राजील। फिर ये देखो यहाँ पे एक पतली सी लाइन में ये जो देश दिख रहा है आपको, ये है चिली, चिली। और ये देखो ये देश दिख रहा है, ये आपको अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। फिर इधर एक देश दिख रहा है, ये आपको इक्वेडोर, इक्वेडोर। ये आपका कोलंबिया, कोलंबिया। ये आपको देश दिख रहा है वेनेजुएला, ज्वेला, वेनेजुएला, वेनेजुएला। फिर ये दिख रहा है आपको, ये एक देश का नाम है यहाँ पे फ्रेंच गुयाना। क्या नाम है, फ्रेंच गुयाना, फ्रेंच गुयाना। फिर ये देश है सूरीनाम, सूरीनाम। और ये इस देश का नाम मिलेगा आपको गुयाना। फिर देखो इक्वेडोर हो गया, ये हो गया आपका चिली हो गया, ये देश है आपका पेरू, पेरू। और देखो ये देश है आपका बोलीविया, बोलीविया। और ये देश है आपका पराग्वे, पराग्वे। और ये देश है आपका उरुग्वे। तो ये इस महाद्वीप के देशों की स्थिति। ये देश मैंने आपको क्यों बताए, क्योंकि देखो आपको कहीं ना कहीं किसी भी देश से एक प्रश्न आएगा, उसके लिए आपको समझाने के लिए ये मैंने अपने हाथों से ड्रॉ किया खाली मैप को। देखो ये इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, तो इस देश को समझाने का मतलब है, देखो ब्राजील देश की सीमा देखो फ्रेंच गुयाना से लगती है, सूरीनाम से लगती है, गुयाना से लगती है, वेनेजुएला से लगती है, देखो कोलंबिया से लगती है, पेरू से लगती है, बोलीविया से लगती है, पराग्वे से लगती है, यहाँ से देखो छोटी सी सीमा यहाँ अर्जेंटीना से लगती है, फिर यहाँ पे आपके उरुग्वे से लगती है। तो ब्राज़ील देश की सीमा अफ्रीका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के दो देशों से नहीं लगती है। किससे नहीं लगती है, देखो एक तो हो गया इक्वेडोर और एक हो गया चिली। तो आपको पूछ सकते हैं जो ब्राज़ील की जो सीमा है, ये ब्राज़ील की सीमा किससे नहीं लगती है, नहीं लगती। तो आपको दो देशों के नाम आपको ध्यान रखने हैं, एक तो हो गया इक्वेडोर और एक हो गया आपका चिली। बढ़िया प्रश्न है, आपको ये ध्यान रखना, दोनों देशों की सीमा ब्राज़ील से नहीं लगती है, इक्वेडोर और चिली की। फिर अपन बात करते हैं दो देश ऐसे हैं, देखो ये आपका बोलीविया देश है और ये आपका पराग्वे देश है, ये किसी भी रूप में बाहरी सीमा से नहीं लगता है, इसको कहते हैं स्थलबद्ध देश, स्थलबद्ध देश, स्थलबद्ध देश। तो आपको ध्यान रखना दो देश हैं, एक तो है आपका बोलीविया, बोलीविया, एक तो देश है बोलीविया
और दूसरा जो स्थलबद्ध देश है आपका पराग्वे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। देखो दो ही देश जो ब्राजील से सीमा नहीं लगाते हैं, इक्वेडोर और चिली, और दो देश है जो आपके स्थलबद्ध देश है यानी किसी भी इस महासागर से सीमा नहीं लगाते हैं, तो बोलीविया और पराग्वे। अब ध्यान रखना ये जो आपका पेरू और बोलीविया इसकी सीमा पे एक झील बनी हुई है, पेरू और बोलीविया की सीमा पे एक झील बनी हुई है जो जिसका नाम है आपका टिटिकाका, टिटिकाका झील। तो देखो टिटिकाका झील क्या है, इस महाद्वीप की बड़ी झील भी है, और ध्यान रखना ये झील सबसे ऊंचाई पर स्थित है, ऊंचाई पर स्थित है। और जो ये पेरू है ना, पेरू की जो राजधानी है लीमा, या इसकी राजधानी कहीं पे लापाज लिखा मैंने, तो ये आपको सबसे ऊंचाई पर नौ गम्य झील मिलेगी टिटिकाका झील, और पेरू की राजधानी यहाँ पे है। तो पेरू और बोलीविया की सीमा के मध्य कौन सी झील है, टिटिकाका झील है, सबसे ऊंचाई पर विश्व की सबसे ऊंची झील मानी जाती है। फिर अपन इसमें एक और बात करते हैं, देखो ये देश है आपका कोलंबिया, ये वाला यहाँ मैं लिख देता हूँ के। तो देखो कोलंबिया देश, देखो इधर से प्रशांत महासागर से भी लगता है और इधर से अटलांटिक महासागर से भी लगता है, तो ये देश भी इम्पोर्टेंट है कोलंबिया। कोलंबिया क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये दो महासागरों से सीमा बनाता है, एक तो प्रशांत महासागर से और एक आपका अटलांटिक महासागर से, दोनों महासागर से क्या बनाता है, आपकी सीमा बनाता है, तो ये देश भी इम्पोर्टेंट हो गया। फिर अपन बात करते हैं इन देशों में, इधर का देश है देखो वेनेजुएला, वेनेजुएला यहाँ पे एक झील पाई जाती है मराक्राइबो झील। ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये पेट्रोलियम के लिए प्रसिद्ध है, यानी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पेट्रोलियम के जो भंडार है वो वेनेजुएला देश में मराक्राइबो झील यहाँ पे पाई जाती है, मराक्राइबो झील यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे जो खाड़ी है ये देखो ये खाड़ी ये वेनेजुएला की खाड़ी है, तो वेनेजुएला की खाड़ी कहाँ पे, ये वेनेजुएला देश में। फिर अपन बात करते हैं, देखो ये इक्वेडोर देश है, इक्वेडोर देश इसका क्या महत्व है, इसमें दो ज्वालामुखी है, एक तो है कोटोपेक्सी ज्वालामुखी, और एक है आपका चिमराजो या कहीं चिमरेजो मिलेगा, चिमराजो या चिमरेजो। ये देखो दो ज्वालामुखी विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर फैले हुए ज्वालामुखी में, देखो कोटोपेक्सी तो है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, ये ध्यान रखना कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है इक्वेडोर में, कहाँ पे है, इक्वेडोर में। और विश्व का जो मृत ज्वालामुखी माना जाता है वो है आपका चिमरे जो सर्वाधिक ऊंचाई पर, तो दोनों ही कहाँ पे है, इक्वेडोर में। इसलिए मैंने आपको बताया इन देशों की जो स्थिति है, चिमरे जो है जो मृत ज्वालामुखी है इक्वेडोर में सर्वाधिक ऊंचाई पर, और सर्वाधिक ऊंचाई पर अगर सक्रिय ज्वालामुखी पूछे तो आपको ध्यान रखना है कोटोपेक्सी, इस महाद्वीप के ज्वालामुखी है। फिर अपन बात करेंगे ये जो चिली देश लिखा हुआ, चिली देश में आटाकामा मरुस्थल है, आटाकामा ये विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल माना जाता है, और यहाँ पे एरिका जो स्थान है वो विश्व का सबसे शुष्क स्थान है। और ध्यान रखना यहाँ पे शुष्क मरुस्थल तो है ही है, यहाँ पे नाइट्रेट के भंडार है, आपको पूछ सकते हैं नाइट्रेट के भंडार कौन से देश में है, तो यहाँ पे है आपको इस आटाकामा मरुस्थल में, चिली देश में आटाकामा मरुस्थल शुष्क मरुस्थल है, और नाइट्रेट के भंडार भी यहाँ पे पाए जाते हैं। फिर देखो फिर यहाँ पे ये जो दिया हुआ है ये आपका चिली, यहाँ पे देखो प्रशांत महासागर में एक ठंडी जलधारा चलती है यहाँ पे, जिसको अपन पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा के नाम से भी जानते हैं, पेरू की ठंडी जलधारा इस देश के नाम के आधार पर, और हम्बोल्ट ने इसका अध्ययन किया था, इसलिए इसको कहते हैं पेरू या हम्बोल्ट की ठंडी जलधारा। तो ये भी आपको ध्यान रखना कौन से तट पर, चिली और पेरू के तट पर, इधर वाले तट पर ये चलती है। फिर आपको ध्यान रखना अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में एक पेंटागोनिया मरुस्थल है, पेंटागोनिया शीत मरुस्थल है, कैसा मरुस्थल है, ठंडा मरुस्थल है, और यहाँ पे जो घास पाई जाती है पंपास वो भी क्या है, शीत घास है, शीतोष्ण घास है। तो आपको पूछ सकते हैं शीतोष्ण घास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कहाँ पाई जाती है, तो आपको पता रहना अर्जेंटीना है, पंपास घास के मैदान है, और पेंटागोनिया शीत मरुस्थल भी है, तो ये भी आपको यहाँ अर्जेंटीना में ध्यान रखना। फिर देखो फिर अपन बात करते हैं ये जो ब्राज़ील है, यहाँ से एक नदी निकलती है आपकी अमेजन नदी, ये अमेजन
अमेजन नदी के जो उत्तर में वेनेजुएला देश के पास में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसे अपन क्या कहते हैं? लानोज। लानोज वेनेजुएला के पास में जो घास के मैदान है ना उसको अपन लानोज कहते हैं। और वेनेजुएला या अपन कह सकते हैं अमेजन के दक्षिण में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उन्हें अपन कंपोज कहते हैं या कंपास कहते हैं। कहीं कंपोज लिखा है कहीं कंपास। तो अमेजन नदी के उत्तरी भाग में लानोज और दक्षिणी भाग में कंपोस। और अमेजन के आसपास का जो क्षेत्र है ना वहाँ पे घास के मैदान को कहते हैं सेलवास। क्या कहते हैं? सेलवास। जो सदा हरी भरी घास है ना उनको, जो वन है ना सदाबहार वन, उनको अमेजन के सदाबहार वनों को सेलवास वन भी कहते हैं। और जो उष्णकटिबंधीय घास है वेनेजुएला में उसको लानोज कहते हैं। और ब्राजील में जो उष्णकटिबंधीय घास है उसको अपन क्या कहते हैं? कंपास कहते हैं। और अर्जेंटीना जो अमेजन नदी है विश्व में सर्वाधिक वनों वाली नदी है और सर्वाधिक अपवाह दृष्टि वाली नदी है, यानी बड़े क्षेत्र पर इसका जो सतही जल है बड़े क्षेत्र में है। तो अपवाह दृष्टि से सबसे बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी है। और कहाँ बहती है? दक्षिणी अमेरिका में बहती है। इसकी सहायक नदी है ओरेनिको, और एक ओरेनिको की सहायक नदी है आपकी केरो नदी। तो केरो नदी पर एंजिल जलप्रपात बना हुआ, तो ये भी ध्यान रखना एंजिल जलप्रपात कहाँ पर है? तो दक्षिणी अमेरिका में है। एंजिल जलप्रपात कहाँ पे है? तो आपको ये भी ध्यान रखना एंजिल जलप्रपात अमेजन नदी की सहायक नदी है ओरोनिको, ओरोनिको की सहायक नदी है केरो नदी, केरो नदी पे ये आपका एंजिल जलप्रपात पाया जाता है, एंजिल जलप्रपात पाया जाता है झरना। तो ये हो गए आपके घास के मैदान मैंने आपको बता दी। और तो ये देखो सेलवास जो वन है ना ये ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा विश्व में यहीं से ऑक्सीजन प्राप्त होती है, इसीलिए इसको इन वनों को क्या कहते हैं? पृथ्वी का फेंपड़ा कहते हैं। पृथ्वी का फेंपड़ा, यानी फेंपड़े को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए इनको पृथ्वी का फेंपड़ा कहते हैं अमेजन वनों को। तो ये भी आपको ध्यान रखना है अमेजन नदी और इसके चारों ओर के जो क्षेत्र है इनको अपन पृथ्वी का फेंपड़ा कहते हैं, सर्वाधिक यहाँ पे वन होता है। फिर अपन बात करते हैं ब्राजील एकमात्र ऐसा देश है। अब देखो इसमें से एक तो आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है इसके अंदर से, यहाँ से भूमध्य रेखा, और एक यहाँ से गुजरती है आपकी मकर रेखा। तो दो महाद्वीपों यानी एक महाद्वीप से दो रेखा, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से आपको ध्यान रखना है भूमध्य रेखा भी गुजरती है और यहाँ से मकर रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा भी गुजरती है। तो दो रेखा यहाँ से गुजरती है भूमध्य सागर, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। फिर एक और ध्यान रखना जो सबसे बड़ा जो देश है ब्राजील, यहाँ से देखो ये रेखा और यहाँ से ये रेखा, तो एक देश उससे दो रेखा गुजरती है। तो ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पे दोनों रेखाएं गुजरती है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों रेखाएं गुजरती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों से गुजरती है। देखो भूमध्य रेखा तो देखो इक्वेडोर है, कोलंबिया है और ब्राजील से गुजरती है, और ये मकर रेखा देखो चिली है, अर्जेंटीना है, पराग्वे और ब्राजील, चार देशों से गुजरती है। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, इन चार देशों से गुजरती है। तो ये देशों में से भी रेखा भी गुजरती है और यह ध्यान रखना। फिर अपन इसमें से बात करते हैं अब जो ब्राजील है, ब्राजील के वनों में विश्व का सबसे मुलायम वृक्ष भी यहीं पे है और विश्व का सबसे कठोर वन पूछे तो वो भी यहाँ पे है, यहाँ पे। और यहाँ पे एक ग्रीन चाको के मैदान भी यहाँ पे पाए जाते हैं, ग्रीन चाको के मैदान जो यहाँ पे पाए जाते हैं। ब्राजील उच्च भूमि यहाँ पे पाई जाती है, गुयाना उच्च भूमि यहाँ पे पाई जाती है, ये भी आपके इसी देश में पाई जाती है। फिर अपन एक बात करते हैं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपकी पर्वत श्रृंखला फैली हुई है, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला, तो वो कहाँ पे है? तो ये आपको बताना है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है, दक्षिणी अमेरिका में, कोलंबिया से शुरू होती है और यहाँ तक है आपका चिली तक फैली हुई। फिर अपन देखो ध्यान रख ये जो यहाँ की एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है एकांका गुआ, एकांका गुआ ये भी इसी महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आपको ध्यान रखना विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला, तो लगभग ये 7200 किलोमीटर में फैली हुई है, ठीक है ना, 7200 किलोमीटर फैली हुई है। और यहाँ पर जो इसकी सबसे ऊंची चोटी है वो एकांका गुआ, ये भी ध्यान रखना इसकी सबसे ऊंची चोटी एकांका गुआ। तो यहाँ पे मैंने आपको ज्वालामुखी बता दिए और ये बता दी। अब देखो यहाँ पे एक और ध्यान रखना ये जो चिली है ना, ये चिली यहाँ पे एक खान है चुकी कमाता, चुकी कमाता, तो ये तांबे की सबसे बड़ी खान है, तांबे की। मेक्सिको में तो चांदी की सबसे बड़ी खान है और चुकी कमाता ये यहाँ पे चांदी तांबे की सबसे बड़ी खान है चिली देश, ठीक है।
तो ये भी ध्यान रखना, चिली देश में चुकी कमाता तांबे की बड़ी खान है, तो ये भी आपको ध्यान है। अर्जेंटीना विश्व में मांस निर्यातक देशों के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे गेहूँ होते हैं जो कंपास घास के मैदान में होते हैं, नहीं यहाँ पंपास जो ठंडे शीतोष्ण घास के मैदान यहाँ पे होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो मैंने आपको बताया इस दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के बारे में, और ध्यान रखना यहाँ पे एक अर्जेंटीना से लेकर यहाँ चिली की राजधानी ब्यूनस आयर्स यहाँ तक, यह एक पार अमेरिकन एक रेल मार्ग है। तो यहाँ पर ध्यान रखना नीचे अर्जेंटीना से चिली तक, अर्जेंटीना की राजधानी से चिली की राजधानी तक, तो यहाँ पे एक क्या है पार ऑस्ट्रेलियन रेल मार्ग भी है। फिर आप इसको में से और क्या ध्यान रखोगे, देखो ब्राजील है ना विश्व में सर्वाधिक कॉफी उत्पादक देशों में माना जाता है, कॉफी उत्पादक देशों में। तो यहाँ पे दो स्थान आपको ध्यान रखना है, एक तो यहाँ पे साओ पोलो किसके लिए, ये मानी जाती है मंडी, केवा के मंडी है ना, केवा की मंडी विश्व में, तो वो साओ पोलो है। और एक स्थान यार ध्यान रखना सेंटोस, ये इधर लिख देता हूँ सेंटोस, ये सेंटोस क्या है बंदरगाह, तो इसको अपन कॉपी बंदरगाह माना जाता है। ये यहाँ पे सेंटोस बंदरगाह तो तट पे है तो सेंटोस बंदरगाह है, और अगर ब्राजील कॉफी मंडी पूछा जाए तो साओ पालो है, ब्राजील में सर्वाधिक कॉफी के बागान होता है, और इनको अपन क्या कहते हैं फेजेंडा कहते हैं, क्या कहते हैं फेजेंडा कहते हैं, कॉफी में सर्वाधिक जो बागान है ना उनकी बागानों को क्या कहते हैं फेजेंडा कहते हैं, और अपन इसको सेंटोस बंदरगाह हो गए, और ये हो गया आपका साओ पालो जो मंडी हो गई ये ब्राजील में कहवा की मंडी। तो ये जो यहाँ पर जो मैंने आपको इतने सारे जो प्रश्न बताए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो हर परीक्षा में कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपको आते रहते हैं। तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और इसकी वीडियो को आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखें। धन्यवाद।